प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी देखते हैं। तो जैसा भी आपको चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो आप आराम से एक एक प्रश्नों को आराम से डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे 37 नंबर का क्वेश्चन है, इसके पहले के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ड्यूट्रोस्टोम एंड प्रोटोस्टोम्स एनिमल डिफर इन, कह रहा है ड्यूट्रोस्टोम के जो एनिमल हैं और प्रोटोस्टोम के जो एनिमल हैं उन्हें कैसे डिफर कर सकते हैं, तो इसका आपको आंसर बताना है। देयर सिमेट्री, द एम्ब्रियानिक ओरिजिन ऑफ देयर माउथ, थर्ड है आपका टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इसके डिस्क्रिप्शन को अगर हम लोग मेजर करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियानिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियानिक डेवलपमेंट के आधार पे एनिमल्स विद ट्यूब विद इन ट्यूब, एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं, विथ ट्यूब जिसमें ट्यूब के साथ होंगे और विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन आर टू टाइप, कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। प्रोटोस्टोम्स द माउथ ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डेवलप फर्स्ट इन द एम्ब्रियानिक फ्रॉम ब्लास्टोपिन ऑफ गैस्टुला एंड एनस फ्रॉम लेटर, इट इंक्लूड राउंड वर्म। प्रोटोस्टोम में कौन कौन है, राउंड वर्म है, राउंड वर्म किस में आते हैं, तो आप जानते हैं एस्केलमेंथीज का है, एनिलीड है, एनिलीड, उसके बाद आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। क्लियर, हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबको पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर भी हम लोग प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। एक बार अगर हमको ये पता चल जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और किस प्रकार से आते हैं, तो उस चीज़ को पढ़ना और याद करना बहुत आसान होगा। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी करके कंप्लीट किया जाए। आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी, अभी तक आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं थी, तो आपकी क्लासेस, प्रैक्टिस पेपर, सब कुछ रेगुलर बहुत जल्द हो जाने वाला है, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले। अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, बट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे भी आपको कोई भी नोटिफिकेशन होगी तो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ड्यूट्रोस्टोम की बात कर रहे थे, एनस इज फर्स्ट फॉर्म, एनस पहले बनता है फ्रॉम ब्लास्टोपिन एंड एम्ब्रियानिक स्टेज ऑफ द माउथ लेटर, और माउथ बाद में बनता है। ऊपर वाले में क्या था, प्रोटोस्टोम में पहले माउथ बनता था और ड्यूट्रोस्टोम में पहले एनस का फॉर्मेशन होता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसमें कौन कौन इंक्लूड है, तो इसमें इंक्लूड है आपके इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, स्पेलिंग इसमें रॉन्ग है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा, ठीक है, हेमिकार्डेट और कार्डेट तीन आते हैं किसमें, ड्यूट्रोस्टोम्स में। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो ऑफ द लिस्ट, कह रहा है कि यहाँ पे आपके इनके कोड दिए गए हैं और उस कोड के हिसाब से इन्हें मैच करा के आपको बताना है। पाइला है, फेरितिमा है, हेरुडिनेरिया है, और उसके बाद हेरुडिनेरिया देखिए यहाँ पे, उसके बाद नहीं, हर्डमानिया, माफ करिएगा, हर्डमानिया है, और उसके बाद प्लेमोन है, हाई एल्टीट्यूड एंटोमोनोलॉजी है। अब इनके बारे में बताना है, इधर साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, डॉक्टर के एन वाल हैं, उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर एस सी एम दास हैं, डॉक्टर बीनी प्रसाद हैं, डॉक्टर एम एस मानी हैं और डॉक्टर एस एस पटवर्धन है। तो यहाँ पे इनको आपको मैच करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। अगर बात करते हैं पाइला की, तो पाइला कौन है, डॉक्टर बेनी प्रसाद, फेरितिमा डॉक्टर के एन बहल, हर्डमानिया डॉक्टर एच एम दास, और उसके बाद पाली ओमान का है डॉक्टर एस एस पटवर्धन, और लास्ट में है यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड ऑफ एंटोमोलॉजी डॉक्टर एम एस मनी, ठीक है। तो इनको आप लर्न कर लीजिए, ये पूछे जा सकते हैं फिर मैच कराने के लिए। आगे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग एंड आंसर, इनको कंसिडर करना है और आपको आंसर देना है। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, विथ प्लास्टिड, विदाउट प्लास्टिड। अब आपको बताना है कि प्रोटिस्टा आर, प्रोटिस्टा क्या है। जैसा कि मैंने इसके पहले के एक सेगमेंट में आपसे बता रखा था कि एनिमल किंग पूरे जो ये क्या कहते हैं, पूरा बायोलॉजिकल किंगडम जो है, पूरे जीवों को, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फाइव किंगडम में डिवाइड किया गया है। इन फाइव किंगडम में आप सबसे पहले हिटकर के फाइव किंगडम को आप जानते हैं, उसमें सबसे पहले किसको रखा गया, मोनेरा को रखा गया है।
मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स को रखा गया, जिसमें आपके प्रोकैरियोट के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया को आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, कहीं कहीं पे BGA लिखा होता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया हो गई, आर्की बैक्टीरिया हो गई, मेथेनोजन बैक्टीरिया हो गई, ठीक है। उसके बाद आप चले जाएंगे माइकोप्लाज्मा है, रिकेट्स हैं, ये सभी किसमें आते हैं, तो ये सभी आपके मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सेकंड है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में सभी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं, तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं, इसका जो अगर आप मैच करेंगे तो यूकैरियोटिक हो गया, यूनिसेलुलर हो गया, दो तो मिल गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, विथ प्लास्टिड, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड क्या होता है, सेल के अंदर पाया जाता है, और सेल में एक प्लास्टिड में तीन कलर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। याद होगा आपको, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट के लिए होता है, क्रोमोप्लास्ट अलग अलग पिगमेंट को बाइंड करता है या दर्शाता है, और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस होता है। तो इसमें कुछ ऐसे हैं, जैसे कि इसमें हम अगर बात कर लें तो इसी में युग्लिना आता है। युग्लिना क्या करता है, प्लास्टिड रखता है, किस में आता है, प्रोटिस्टा में आता है, अपने पास प्लास्टिड रखता है, जिसे हम एनिमल और प्लांट के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं। याद होगा, आप जानते भी होंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाए तो यहाँ पे प्रोटिस्टा और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, यहाँ मल्टी सेलुलर नहीं होगा, यहाँ पे यूनिसेलुलर होगा, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट विथ प्लास्टिड, प्रोटिस्टा और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर बट सम लाइक एल्गी आर मल्टी सेलुलर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी आंसर इज करेक्ट। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पे हम चले जाएं तो बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि ऑप्शन में ए कहीं नहीं दिया गया, ठीक है ठीक है। यहाँ पे ए भी सही है आपका, अगर इसमें हम ऑप्शन बढ़ा लें तो ऑप्शन के आधार पे ये आपका सही हो जाएगा, मल्टी सेलुलर होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एल्गी होती हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन पे हम मेजर ना करें तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट बोलें तो हम ये कह सकते हैं प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और विथ प्लास्टिड होते हैं। लेकिन ऑप्शन को अगर हम मेजर करेंगे तो यहाँ पे हम किसको ले लेंगे, टू को भी लेंगे, चूंकि कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ मल्टी सेलुलर एल्गी होते हैं जिन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया है, तो आपका ऑप्शन ए भी चला जाएगा। तो ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपका आंसर कौन सा होगा, 2, 4 और 5। क्लियर, आगे बढ़ जाएं। द जियोलॉजिकल एज ऑफ ए रॉक्स इज डिटरमाइंड बाई, कह रहा है कि एक चट्टान की एज कैसे निर्धारित की जाती है, किसी चट्टान की भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित कैसे की जाती है, इसके बारे में बताना है आपको। कैसे करते हैं, तो उसकी चट्टान की आयु कैसे निर्धारित करते हैं, रेडियोमेट्रिक डिटेक्टिंग से, किससे, रेडियोमेट्रिक डिटेक्टिंग से, यानी विकिरणमित काल निर्धारण द्वारा। रेडियोमेट्रिक डिटेक्टिंग को रेडियो एक्टिव डिटेक्टिंग भी कहा जाता है। इस विधि में मटेरियल के साथ आइसोटोप्स का अध्ययन किया जाता है। इस विधि का प्रयोग करते हुए चट्टानों के भूगर्भ विज्ञान वैज्ञानिक आयु का निर्धारण किया जाता है। आगे बढ़ जाएं। कंसर्न विद द नामनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के नामनक्लेचर को कंसर्न करना है, उसके बारे में बताना है। जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित हैं, जीवों के नामकरण पद्धति से कौन संबंधित है, इसके बारे में आपको आंसर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। एक एक करके हम 10,000 प्रश्नों को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक करके हम लोग 10,000 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसका PDF अगर आपको चाहिए तो PDF भी भेज दिया जाएगा। ग्रुप पे व्हाट्सएप नंबर है, आप नीचे लिंक में जाकर के व्हाट्सएप नंबर पा भी सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो बात कर रहे थे यहाँ पे हिटकर, हिटकर का मैंने अभी चर्चा की थी, हिटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था। स्ट्रिकलैंड, यहाँ पे स्ट्रिकलैंड आप अगर 11th 12th की बुक पढ़ेंगे तो स्ट्रिकलैंड की चर्चा नहीं की गई हमारी NCERT में, लेकिन अगर जब आप कोटपाल की बुक पढ़ेंगे तो उसमें स्ट्रिकलैंड की चर्चा की गई है, तो इनकी भी बात आएगी, और भी साइंटिस्ट की चर्चा की गई है। तो ये दोनों लोग क्लासिफिकेशन से संबंधित रखते हैं, संबंध रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो जीवों के नामकरण की शुरुआत लीनियस ने 1758 ईस्वी में, उन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया व जीव जातियों के नाम हेतु तो एक दो ही नाम पद्धति बनाई। आर एच व्हिटेकर ने 1969 में जंतु जगत को 5 वर्गों में बांटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, जैसा कि मैंने इसके पहले सबके बारे में बताया था आपसे।
नामकरण पद्धति से संबंधित अन्य वैज्ञानिक हैं जैसे कि स्ट्रिकलैंड हैं, हेकल हैं, कोपलैंड हैं और कैंडलर हैं। इस तरह से चारों में से किसी एक का नाम अगर दे करके आपसे पूछे तो आप इन चारों के नाम को याद रखिए ताकि अगले बार अगर इससे प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। मैंने आपसे बताया कि रिपीट एंड रिलेटेड दो चीज़ें होती हैं, रिपीटेड क्वेश्चन एंड रिलेटेड क्वेश्चन। अक्सर कभी कभी क्या होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि सेम टू सेम जो वर्ड्स हैं, जो कॉपी हैं, सेम प्रश्न वही उठा करके पूछ दिया गया, ऐसे क्वेश्चन को हम रिपीटेड क्वेश्चन कहते हैं। लेकिन अगर जैसे कि एक क्वेश्चन आया और इसमें आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए तो स्ट्रिकलैंड की जगह पे व्हिटकर को तो देगा, लिनियस को देगा, लेकिन उसके बाद हेकेल को देगा, तो आप एक कैसा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये आपका रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। तो इन्हें आपको साथ में याद रखना है, स्ट्रिकलैंड को, हेकल को, कोपलैंड को और कैंडलर को भी। ठीक है, आगे बढ़ जाए। द टर्म टेक्सान फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज यूज बाई, कह रहा है टेक्सान शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। इसके लिए आपको बताना है कि टेक्सान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टेक्सान शब्द का प्रयोग सबसे पहले एडोल्फ मेयर ने किया था 1926 में। सिस्टमैटिक्स को सबसे पहले लीनियस ने किया था 1735 में। टेक्सोनॉमी एपी डी कैंडला ने किया था 1813 में। और फाइलोजेनी को लेमार्क ने यूज किया था। फाइलम को क्यूवियर ने, और क्लास एंड ऑर्डर लीनियस के द्वारा दिया गया। फैमिली, जीनस और स्पीसी जॉन रे के द्वारा दिए गए हैं। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपसे पीजीटी में पूछा गया है, दिल्ली एसएसबी पीजीटी में, तो इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक करके देखते रहेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें याद हो जाएंगे। व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीटेड जेनरिक नेम, कह रहा जब स्पीसीज नेम रिपीट होकर के, जैसे जो स्पीसीज का नाम है वही किसका हो जाए, जैसे आप देखते हैं पोवो क्रिस्टस क्रिस्टस, ठीक है, या ऐसे आप क्रोबस क्रोबस, उसका क्रो का होता है क्रोबस क्रोबस, तो जो स्पीसीज का नाम है वही जीनस का भी नाम हो जाए और जो जीनस का नाम हो वही स्पीसीज का नाम हो जाए, तो ऐसी पद्धति को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। जब प्रजाति नाम जाति नाम को हूबहू दोहराते हों तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे टटानिम कहते हैं। क्या कहते हैं? टटोनिम कहते हैं। टटोनिम आपको कहाँ दिया गया? बी, हाँ बी वाले में, टटोनिम कहते हैं। इसमें देखिए, टेटोनिम जब प्रजाति का नाम जातीय नाम के साथ हूबहू आए, जैसे कि रेटस रेटस, ठीक है, किसका है? रेट का है। नागा नागा, कोबरा का है, किंग कोबरा का है। उसी तरह से साइनोनियस, ये नाम रिजेक्टेड ड्यू टू द मिस यूज, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो मिस यूज से क्या कर दिए जाते हैं, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। बेसियोनियस, अंतर जाति नाम में जिसकी प्राथमिकता के, यानी इंटर स्पेसिफिक नेम, विच हैज प्रियॉरिटी द एंड इट रिफाइंड व्हेन ट्रांसफर टू न्यू टेक्सान। और होमोनिम किसे कहते हैं? उसके टाइप के आधार पर दो या दो से अधिक नाम। लीनियस इज द क्रेडिटेड फॉर, लीनियस को क्या क्रेडिट दी जाती है? तो लीनियस को यहाँ पे जो क्रेडिट दी जाती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, बाई नामियल नामन क्लेचर की क्रेडिट किसको जाती है? लीनियस को जाती है। बाई नामियल नामन क्लेचर किसने प्रोवाइड किया था? लीनियस ने प्रोवाइड किया था, जिसमें ये कहा जाता है कि एक जेनरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक नेम होता है या स्पीसीज का नेम होता है। इसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसका रूल आपने बाई नामियल नामन क्लेचर में पढ़ा होगा कि इसे लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है और आप जानते हैं, सॉरी, इटालियन लैंग्वेज में लिखा जाता है और इटालियन लैंग्वेज आप जानते हैं कि वो तिरछा आता है, तो हम उसे ओन राइटिंग में नहीं लिख सकते, इसलिए बाद में क्या करते हैं, हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं। अगर अपने हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो उसे हम जीनस को अलग अंडरलाइन कर देते हैं और स्पीसीज को अलग अंडरलाइन कर देते हैं। जीनस का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है, जबकि स्पीसीज का नाम जो होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये सब चीज़ें जानते होंगे पहले से, बस मैं उस चीज़ों को रिकॉल करवा रहा हूँ। टू वर्ड्स कंप्राइजिंग बाइनामियल नामन क्लेचर आर, द्विपद नाम वाले दो कारक हैं। द्विपद नाम वाले दो कारक कौन कौन से, तो आप जानते हैं, एक है जीनस और दूसरा कौन है, स्पीसीज है। जीनस है और कौन है, स्पीसीज है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो आज के क्वेश्चन में बस इतना सा ही था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक दूसरा भी चैनल है जिसका नाम है बायो स्टडी पॉइंट। बायो स्टडी पॉइंट मेरा ही चैनल है जिस पे हम इसकी क्लासेस करवा रहे हैं।
साथ में इसके प्रैक्टिस पेपर आपको हिंदी के दिए जा रहे हैं और चैप्टर वाइज इंग्लिश के भी दिए जा रहे हैं, और साथ में एनसीईआरटी की क्लासेस भी चल रही हैं आपकी, तो वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी बेनिफिट की चीज़ें आपको प्रदान हो जाएंगी यानी मिल जाएंगी। तो फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।